हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई सबसे पहले तो वही है नॉर्मल, सब बोलते हैं वेलकम टू बैक माय चैनल। ये मेरा चैनल है, आप आए तो सब्सक्राइब करके जाना। और इस पर ना मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ लैंग्वेज से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस पे, ये चीज़ें लैंग्वेज की। तो आप ना यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपने सीखनी हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अब जावास्क्रिप्ट की ओल्ड वीडियो आपको मिल जाएंगी जब तक मैंने बनाई है जावास्क्रिप्ट में। आपने वेदर ऐप बनानी है या रिएक्ट जेएस सीखनी है या फिर नेक्स्ट जेएस, तो बेसिकली काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो ही मैं बनाता रहूँगा, तो आप देखते रहिएगा। जो आपको अच्छे लगे आपको लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ लगे कि ये टॉपिक कुछ गलत बन रहा है या मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, मैं उसको सुधार सकता हूँ और उस नए टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आपके पास प्रेजेंट्स करूँगा। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। नाउ हमारी नेक्स्ट जेएस 13 आई थी। 13 जेएस में क्या था, एवरीथिंग था, वो सब हमने कवर किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में। नाउ सेकंड वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है नेक्स्ट जेएस में, हम राउटिंग कैसे काम करती है, कि हमारा ना ऐप के अंदर जितने भी आपके फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं वो एज ए सर्वर साइड रेंडरिंग होते हैं, और हमारी जो राउटिंग होती है वो एज ए लेआउट होती है मेन पेज हमारा, और जो आपका इंडेक्स रूट फाइल होती है वो हमारा पेजेस डॉट टी एस एक्स होती है। तो ये बेसिकली हमारा राउटिंग था। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वर साइड डेटा फैचिंग की, यानी कोई आप API कॉल कर रहे हो, डेटा फैच कर रहे हो, वो हम कैसे करेंगे। तो नाउ चलिए चलते हैं हम अपनी ऐप में जो हमने पीछे बनाई थी। आपको पता ही है होम बनाया था हमने, अबाउट अस, प्रोडक्ट, डैशबोर्ड वगैरह। मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो मेरा डैशबोर्ड का पेज आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर हमने प्रोफाइल बनाया था और सेटिंग बनाई थी। अब हम एक और बनाते हैं डैशबोर्ड के बाद, ठीक है, क्या नाम दे उसको, हम दे देते हैं ई कॉमर्स दे देते हैं, कि ई कॉमर्स का कोई भी हमारा क्या कहते हैं डेटा वगैरह हम पॉपुलेट करा कर देखते हैं हमें कैसे है यूज करेंगे ई कॉमर्स। तो हमारा ई कॉमर्स पाथ ये रहेगा, तो इसी नाम से हमारा फोल्डर बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर जाके एक फोल्डर बना लेते हैं अपना ई कॉमर्स से, और इसके अंदर हमारा रूट फाइल देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो पीछे बताया था पेज डॉट टी एस एक्स, ये हमारी रूट फाइल है। अब नाउ नेक्स्ट मैं इसको डायरेक्ट ना एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस मैंने बनाया और मैंने इसको रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न करा दिया, सिंपल, मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम मल्टीपल जाना ना, तो मे भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, गड़बड़ हो जाए। ई कॉमर्स प्रोडक्ट स्पेस, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी भी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, सॉरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये हमारा पेज बन गया। अब नाउ हम चेक करते हैं क्या हमारी राउटिंग चल रही है। नाउ ई कॉमर्स पे जाता हूँ मैं, देखो मेरी राउटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ई कॉमर्स में मैंने क्लिक किया तो मेरा ये पेज जो कंपोनेंट्स है री रेंडर हो जाएगा और पूरा देखो चेंज हो गया ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेज, और ये मेरी नेविगेशन बार आ गई, ये है बेसिकली। अब हम एक काम करते हैं ना, डमी डेटा है मेरा, एक APIs है। अब APIs तो मैं बनाऊंगा नहीं बैठ के, बनाऊंगा अब काफ़ी टाइम लग जाएगा, बने बनाए API यूज़ कर लेते हैं, जैसा API तो हमारे पास होती है। नाउ इसमें ना हमारा गेट सर्वर स्टेटिक प्रॉप्स, स्टेटिक प्रॉप्स और सर्वर साइड प्रॉप्स काम नहीं करता है, वो आपका क्लाइंट हैंड पे काम करता है, सर्वर हैंड पे काम नहीं करता है। तो ना इसमें फंक्शन बनाएंगे एसिंक के साथ, वेट करेंगे, डेटा फैच करेंगे, रिटर्न कराएंगे, वो हम यूज करेंगे। तो चलिए वो हम देखते हैं किस नाम से बनाए भाई, गेट डेटा फैच, FETCH फैच, ठीक है। और इससे पहले हम एसिंक कर देते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि मुझे एसिंक बनाना है इसको। एसिंक तो पता ही होगा आपको, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में मैंने क्या कर दिया, फेच यूज करता हूँ मैं, पहले अवेट लिखते हैं, अवेट कि भाई वेट करना है, पहले मेरा डेटा पूरा करना, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाना है। PTCH फैच मेरा हो गया। फैच के अंदर मैंने क्या किया, API का URL डाल दिया और मैंने क्या किया, इसको रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न करा दिया, रिक्वेस्ट डॉट JSON, ठीक है भाई, JSON की बॉडी जो हो मेरी रिक्वेस्ट हो जाए। अब नेक्स्ट हम इसको कहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, तो हमें इसको भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक फंक्शंस, एसिंक फंक्शंस हमारा बन गया। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट पे किया
कि भी मैंने डिस्ट्रक्चर कर देते हैं यहाँ पे इसको ना डेटा को, देख तो अभी देखते हैं डिस्ट्रक्चर में इसका नाम क्या जाता है, इसको मैंने रिटर्न करा लिया। तो हमारा अगर मैं डिस्ट्रक्चर कराऊँ तो मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर है सारा डेटा जो भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स को बना लेता हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब ना जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, प्रोडक्ट डेटा आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल अपना मैप यूज करेंगे कि भाई मेरा मैप आए, और मैप के अंदर क्या हो, हमारा कॉल बैक फंक्शन ज़्यादा ना, हाँ तो मैप आना भी बहुत ज़रूरी है। आइटम्स मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा ये एरर दिखा रहा है क्यों, मैं इसको टाइप एनी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैंने क्या किया, हमारा रिटर्न जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट जाती है, और रिटर्न के अंदर ना मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, क्लास नेम, उसको हम क्लास नेम डिफाइन करेंगे अभी बाद में, ताकि हमारा यूआई थोड़ा सा अच्छा बेटर दिखाई दे। क्लास आ जाएगा, इसमें हमारी की आ जाएगी, की क्या होगी कि मेरा जो एक आइटम आएगा उसकी कोई कोई आईडी होगी, तो मैं आईडी को आइटम बना लेता हूँ। और क्या हुआ मेरा भाई, आइटम डॉट नेम, देखो हमारा नेम आ रहा है इसमें कहीं, हाँ टाइटल आ रहा है, सॉरी टाइटल आईफोन, मैं टाइटल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने टाइटल ले लिया। अब टाइटल के बाद मैं चाहता हूँ कि भी एक चीज़ और प्रिंट हो जाए मेरी ई कॉमर्स में, क्या प्राइस, प्राइस है क्या, हाँ प्राइस भी है भाई इसमें, ये रहा प्राइस मेरा, तो मैं प्राइस को भी प्रिंट करा लेते हैं, आइटम डॉट प्राइस, सारी चीज़ें होगी मेरी। अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, सेव किया मैंने। अब हम चलते हैं अपने पेज पे, क्या मेरा डेटा आ गया, वाह मेरा डेटा आ गया भाई। देखो एक काम करते हैं, इसमें ना क्लास डिफाइन करता हूँ मैं, ताकि हमें थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए, क्या मेरा इको रैप, मैंने इको रैप नाम से बना दिया एक, और मेरी ग्लोबल सी एस एस थी ना यहाँ पे, आपको पता होगा मेरी ग्लोबल सी एस एस, यस राइट, हम यहाँ पर चलते हैं अपनी ग्लोबल सी एस एस में डिफाइन करा देते हैं, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, वर्टिकल लाइन टॉप कर देते हैं, ठीक है। और वही बॉर्डर में डिफाइन कर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल आर जी बी ए कलर डिफाइन कर देते हैं 2 वाला, ठीक है। और इसकी पैडिंग डिफाइन कर देते हैं 5 पिक्सल एंड मार्जिन भी 5 पिक्सल। अब देखते हैं पेज हमारा कंपाइल हुआ, सीएस कंपाइल होगी और ये बूम चेंज हो गया, देखो मेरा हो गया ना चेंज। एक चीज़ और करते हैं, बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, इससे थोड़ा सा ना और क्लियर हो जाएगा। बैकग्राउंड RGBA 3 कर देते हैं, ओह सॉरी कोमा मिस्टेक रहेगी मेरी, एरर दिखाया था इसने सर्वर साइड कंपाइल करते टाइम कि आपने गलत लिखा है यहाँ पे, जी 1 2 3, हाँ ठीक है भाई मेरा कंपाइल हो रहा है, सर्वर सक्सेसफुली गया मेरा। अब देखो मैंने यहाँ पे गया और मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा जैसे मेरा कोड कंपाइल होगा, हो गया ना चेंज। देखो ये मेरी चीज़ है, मेरा प्रोडक्ट आ गया है, ये मेरा टाइटल है, ये मेरा प्राइस है, ये मेरा सर्वर साइड रेंडरिंग है, ये फेल्ड आ गया ना UI रेंडर सर्वर, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी पहले हम ये देख लेते हैं। पेज को रीलोड किया मैंने, दिखाता हूँ जैसे मेरा पेज रीलोड होगा आप देखोगे, मैं अगर नेटवर्क में दिखाऊँ आपको, सॉरी अभी तो ना हमारा डेवलपमेंट मोड में है, तो डेवलपर मोड में हम नेटवर्क में दिखाने का फ़ायदा नहीं है, API वगैरह, मैं आपको ना डायरेक्ट दिखाता हूँ करके। देखो CSS को हटाओ भाई यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ही एक कंसोल लगा लेते हैं, console.log में मैंने क्या किया कि जो मेरा प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए प्रोडक्ट की ना, मैं लेंथ प्रिंट करा लेता हूँ, LENGTH लेंथ, ये मेरी प्रोडक्ट की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे। देखो मैंने सेव किया तो ना मेरा प्रोडक्ट की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली गया, इसको मैंने देखो आ गया ना प्रोडक्ट 30 लेंथ है, मैंने मेरे 30 प्रोडक्ट हैं, तो ये मेरा सर्वर साइड डाटा फैच कर रहा है और सर्वर साइड से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कंसोल हो रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे ना कंसोल में, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो कंसोल देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये लो बड़ा भी कर दिया मैंने ना। अब हमने इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि मेन नहीं हमारा कैसे काम करता है, इसको कंपाइल करते हैं npm run package.json में कमांड लिखी है, अगर आपको नहीं पता देखो मैं package.json में दिखाता हूँ, बिल्ड हमारी कमांड npm run build 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 मैंने कर दिया है। अब मेरी ना ये बिल्ड हो रही है,
बिल्ड में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हम नेक्स्ट JS 13 की बिल्ड बनाने जा रहे हैं, कैसी, जिसमें कि हमारी राउटिंग भी है, ऐप स्ट्रक्चर भी है, और अब हमने क्या कहते हैं, हाँ, सर्वर साइड से डेटा भी फेच कर लिया है API के थ्रू, API में लगा के। तो क्या वो डेटा हमारा सर्वर हैंड पे आ पाएगा, क्या व्यू सोर्स में होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। क्या कर रहा है ये, क्रिएटिंग द ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन में बिल्ड जा रही है उसको ना ऑप्टिमाइज किया इसने। उसके बाद क्या किया, कंपाइल सक्सेसफुली, मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप कलेक्शन पेज डेटा, पेज का जो मेरा कलेक्शन है वो चेक कर रहा है। जनरेट स्टेटिक पाइप स्टेटिक पेज 10 of 11, यानी कि जो मेरे जनरिक स्टेटिक पेज हैं उसको ये रन करा रहा है। मेरे ख्याल से ना इसमें जो रन करा रहा है ये, इसकी दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि ये APIs है, जो डेटा है इसको सर्वर साइड से फैच बना के पूरा डेटा आपको दे रहा है। इसमें ना हमारी एक चीज़ और होती है, अगर मैं याद दिलाऊँ, ये वाली, इसमें आपका क्या है, जो तीन पैरामीटर थे ना, गेट स्टेटिक प्रॉप्स, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, यस, वो आपके यहाँ पर मुझे यूज करने हो तो, कि भी मेरे को सर्वर हैंड पे डेटा लेके जाना है, या फिर एवरी रिक्वेस्ट पे डेटा मेरा रन होके आए, या फिर सर्वर पे ही डेटा बन जाए और जब भी मैं हिट मारूँ मेरा बना बनाया मिल जाए, या फिर मैं जब भी सर्वर पे हिट करूँ तो मेरा डेटा सर्वर पे फैच होके आए, या फिर मैं चाहता हूँ कि एवरी कुछ टाइम फ्रेम है मेरा, कि उस टाइम फ्रेम के बाद मेरा डेटा वो अपडेट हो, वो मैं दिखाता हूँ। देखो हम रिएक्ट जो देखेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी नेक्स्ट JS 13 इसमें है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें क्या कहता है, क्योंकि ये भी देखनी ज़रूरी है, इसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना, बेटा के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये बेटा के अंदर है। और ये हमारा आप देखोगे तो यहाँ जाओगे लेफ्ट साइड में मेन्यू में सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट बिल्डिंग राउटिंग फंडामेंटल्स आ गया, ये रहा, देखो रेंडरिंग हमारी हो रही है। वी रिकोमेंडेड रेंडर फंडामेंटल पेज बिफोर कंटिन्यूली, सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट अलो डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन दैट स्पैन एंड द सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर कंपोनेंट हमारा है, वाई सर्वर कंपोनेंट क्यों चाहिए सबको पता है, क्योंकि मुझे भी सर्वर कंपोनेंट चाहिए भाई, गूगल व्यू सोर्स में दिखाना है, क्लाइंट हैंड पे दिखाना है, एप्लीकेशन मेरी फास्ट रन हो, डेटा मेरा वहाँ से बना के आ जाएगा। तो ये हमारा, रुको एक मिनट, ये नहीं है, ये तो हमारा कंपोनेंट्स है, डाटा फैचिंग हमारा, डाटा फैचिंग ये रहा, फैचिंग के लिए अगर हम API यूज करेंगे तो सर्वर, ये रहा डाटा फैचिंग, ये ना तीन चीज़ हमारी थी, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, गेट स्टेटिक प्रॉप्स एंड गेट इनिशियल प्रॉप्स आर नॉट सपोर्टेड इन द न्यू ऐप डायरेक्ट्री, इंस्टेड दे आर वन फ्लेक्सीबल वे टू फैच कैश एंड रीवैलिडेट डाटा एट द कंपोनेंट लेवल। तो ये कह रहा है नेक्स्ट 13 में आपका गेट सर्वर साइड प्रॉप्स काम नहीं करेगा, स्टेटिक प्रॉप्स काम नहीं करेगा, इनिशियल प्रॉप्स काम नहीं करेगा, लेकिन न्यू है ऐप डायरेक्ट्री में आपके तीन आए हैं, वन एक चीज़ आई है फ्लैक्सीबल, उसमें आप डाटा फैच है, कैच है एंड रीवैलिडेट है। देखो कैसे आपका ऐप होल्डर के अंदर सर्वर कंपोनेंट है, ऑलवेज थ्री चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, फैच हमारा गया, यूज गया यहाँ पे, कंपोनेंट लेवल डाटा फैचिंग, कंपोनेंट लेवल डाटा फैचिंग कैसे करते हैं, फैच API यूज करेंगे एंड एसिंक्रोनस कंपोनेंट, एसिंक्रोनस कंपोनेंट्स के साथ ऑटोमेटिक फैच रिक्वेस्ट डिबडिंग, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई आगे नेक्स्ट देखते हैं। फैच के अंदर जो तीन चीज़ें इसने दिखाई हैं, स्टेटिक डेटा डज नॉट चेंज, एग्जाम्पल ए ब्लॉग पोस्ट विच इज़ रियली अपडेटेड, जो हमारा स्टेटिक डेटा होता है वो चेंज थोड़ा ना होता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट एक बार बना दिया हमने ठीक है, डायनेमिक डेटा जैसे आपकी शॉपिंग कार्ड है वो आप हमेशा प्रोडक्ट हमारे चेंज होते रहते हैं एवरी 10 सेकेंड में 10 मिनट में, जो भी आपका डिपेंडेंस है उसी के लिए हमारा यहाँ पे कैच है, रीवैलिडेट डेटा है, दे आर टू बेनिफिट यूजिंग स्टेटिक डेटा। अब आपका कैश आ जाएगा यहाँ पे, कैश के बारे में यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है कि भी कैश हमारा कॉन्टेंट डिलीवर नेटवर्क क्या क्या होता है, रीवैलिडेटिंग डाटा कि भी डाटा में रीवैलिडेट कराने से हमारी ओन वेबसाइट है, सर्च है, ठीक है वो सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉग से एक बार आ गया ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फैचिंग में, फैचिंग में आपको दिखाएंगे इसका एग्जांपल। फैचिंग डेटा, फैचिंग डेटा हम क्या करेंगे,
हैश लगाएंगे, पेज हमारा है, एसिंक्रोनस वेट कराएंगे जैसे मैंने अभी किया था, एक डाटा बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन बना के, वेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसोन और आपका ये आ गया। रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट सीरियलाइज, यू कैन रिटर्न डेट मैप सेट एक्सेट्रा, यू आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। अब इसके बाद हमारा अगर मुझे इसमें कुछ, अब जो ने तीन चीज़ें हमारी आई थी यहाँ पे, कैश है जैसे फोर्स कैश आ गया हमारा डिफाई डिफॉल्ट, ये लगाएंगे हम, ये चीज़ें यूज होती हैं विद ऑटोमेटिक फैच स्टेटिक डेटा, कैश डेटा जो कैश डेटा होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका ये क्या क्या करेगा, देखो गेट स्टेटिक प्रॉप्स इन द पेज डायरेक्टरी, ट्री में आप क्या पास करोगे, ये वाला कैश फोर्स। कैसे, मान लो एक मेरा पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है मैं गया कैश आ जाएगा और इसमें मेरा जाएगा फोर्स कैश कि मेरा भी डेटा फोर्स कैश हो जाए, बस इतना करना है। सेव करना, अच्छा मेरी प्रोडक्शन बिल्ड फेल हो गई है, इसको हम एक बार फिर से चलाते हैं। ये मेरा क्या करेगा, फोर्स कैश कर देगा डिफॉल्ट डेटा। अब नाउ नेक्स्ट एक चीज़ हम और दिखाते हैं यहाँ पे फैच के अंदर, ये आपका देखो रीवैलिडेट कि मेरा भाई रीवैलिडेट कैश डेटा, यू कैन यूज़ द नेक्स्ट डॉट रीवैलिडेट ऑप्शन इन फैच, द डिफॉल्ट यूनिट इज सेकेंड, ये आपका सेटिंग में जाएगा। ये चीज़ें हैं बेसिकली कि आपका एवरी चीज़ों में, अगर मैं कर दूँ ना यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेरा गया और भाई इसको ना कमेंट आउट में डाल देता हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है एक और मेरा जाता है यहाँ पे ये वाला डायनेमिक डेटा, जो मेरा डायनेमिक डेटा हो कैश नो स्टोर, द रिफ्रेश डेटा ऑन एवरी फैच रिक्वेस्ट यूज़ द कैश नो स्टोर, कि आप जब भी रिक्वेस्ट को हिट मारोगे पेज को रीलोड करोगे तो ये आपका डेटा लेके आएगा, कैश नहीं करेगा, ये चीज़ें ठीक है। तो चलिए हम फोर्स कैश की बजाय ना एवरी रिक्वेस्ट पे चेक करते हैं पहले, ये वाला कैश नो स्टोर, मेरा डेटा स्टोर नहीं कराना आई एवरी रिक्वेस्ट पे लेके आना, इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं ठीक है, और वापस से रन बिल्ड कर डाल करा लेते हैं अपनी। ये तीन चीज़ें हैं आपकी, फोर्स कैश यानी मेरे को डेटा कैश कर दिया है, कहाँ यूज होता है ये, सपोज मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक की आईडीज हैं, ब्लॉक मैंने लिख लिया है, अब लिख लिया तो कैश ही रहेगा, मैं कैश चाहता हूँ डेटा बार बार मेरा अपडेट नहीं होगा और मेरी ऐप फास्ट लोड हो जाएगी, तो वहाँ पे यूज होता है हमारा। अब नेक्स्ट वैलिडेट हमारा कहाँ यूज होता है, सॉरी नेक्स्ट रीवैलिडेट जहाँ मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, मेरा प्रोडक्ट है अपडेट होना है तो मैं क्या करूँगा, जितनी सेकेंड में लगाना होगा वो मैं यहाँ कर दूँगा, ये बेसिकली मेरा, सॉरी एक ज़्यादा आ गया ये, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट मेरा कैश आता है कि भी नो स्टोर, कि भी डाटा है मैं सर्वर एंड पे जब भी रिक्वेस्ट डालूँगा तब भी आप फैच करके लेके आओगे डेटा, ये बेसिकली इसका मतलब बस। अब हम ये चेक करते हैं, ये कैसे चेक होगा, मैं प्रोडक्शन बिल्ड बनाऊँगा वो चेक करूँगा, उसके बाद पेज पे आपको मैं नेटवर्क में भी चेक कराऊँगा, व्यू सोर्स में भी दिखाता हूँ कि मेरा डेटा आ रहा है क्या। क्रिएटिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्शन बिल्ड होगी मेरी सक्सेसफुली होगी, लिंटिंग एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ टाइप्स, ये भी टाइप्स चेक कर रहा है कि जो मैं प्रॉप्स और मेरा जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ क्या उसका टाइप मैंने सही से डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि ना क्या होता है कि मान लो मेरा ये डेटा आ रहा है यहाँ पे, मैंने देखो हाँ मैंने एग्जाम्पल लिया ना आइटम लिखा, मैंने यहाँ पे क्या किया मैप चलाया आइटम पे कि आइटम क्या है आपका, यहाँ पे ये टाइप जो डिफाइन किया मैंने इसको वैलिडेट कर रहा है यहाँ पे ये लिंटिंग लिंट के थ्रू एंड चेकिंग वैलिडिटी ऑफ द टाइप्स, क्या क्या आपका टाइप्स हर जगह डिफाइन है वो बेसिकली ये चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इसने वार्निंग करके दिखा दिया, यू आर इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर ऐप डायरेक्टरी इन नेक्स्ट डॉट कॉन्फिगरेशन, कि ना आप अभी इसका एक्सपेरिमेंटल वाला यूज कर रहे हो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फीचर आर नॉट कवर बाय सैमवेयर एंड मे कोज अनएक्सपेक्टेड और ब्रोकन एप्लीकेशन बिहेवियर यूज एट योर ओन रिस्क, ये क्यों कह रहा है ये, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट में है इसलिए कह रहा है ठीक है। देखो ये हमारा बन गया, हम शुरू से एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्या क्या क्या, इसने थैंक फॉर टेस्टिंग प्लीज़ लीव फीडबैक, ठीक है अभी क्रिएटिंग आ गया,
जनरेटिंग मेरी स्टेटिक पेज, इसने कितने किए देखो। सबसे पहले क्या है, वैलिडेट आ गया, कलेक्टिंग डेटा, पेज से कलेक्ट डेटा कर दिया, जनरेटिंग स्टेटिक पेज, इसने 11 पेज बनाए मेरे स्टेटिक। और उसके बाद फाइनलाइज पेज ऑप्टिमाइजेशन, मेरा पेज को ऑप्टिमाइज किया, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है देखो, रूट के अंदर मेरी ऐप है, ऐप के अंदर जो मेरा रूट का पेज है उसका साइज़ क्या है, 0 bytes। फर्स्ट लोड JS 0 byte मेरा जाएगा, क्योंकि कोई API कॉल नहीं है, डायरेक्ट है। अबाउट अस मेरा 160 byte है, 64.4 KB जाएगा फर्स्ट लोड में मेरा। आर्टिकल मेरा ठीक है, ब्लॉग मेरा आ गया यहाँ पे 64, ब्लॉग सलक्स आ गया मेरा जो मैंने पिछली वीडियो में बना कर दिखाया था आपको। डैशबोर्ड मेरा है, प्रोफाइल है, सेटिंग है, तीन चीज़ है सारे, इसके टाइमिंग आ गए। मेरा ई कॉमर्स जो भी हमने नया बनाया था देखो, 64.4 दिखा रहा है। प्रोडक्ट दिखा दिया मेरा, इसे दिखा दिया। फर्स्ट लोड शेयर बाय ऑल, कि जब मेरा पहली बार लोड होगा तो क्या होगा, चंक मेरी क्या होगी, 62 KB, 200 KB। एंड वेब पैक मेरा बनेगा 2.6 KB का, ये सॉरी बाइट्स है 200। रूट जो पेज है मेरा, राउट्स 404 पेज मेरा 179 का, 17.8 KB का फर्स्ट लोड होगा ये। फर्स्ट लोड शेयर ऑल, चंक आ गया मेरा, सब का आ गया ठीक है। अब देखो ये जो आइकन है ना यहाँ पे, जो आप देख रहे होगे, ये जीरो है और ये अल्फ़ा बीटा जैसा गामा जैसा होता है, जैसे हम पढ़ते थे क्लासों में कि भी ये वाई उल्टा छोटा वाई, इसको आप जो भी नाम दे सकते हो, कुछ उसका नाम होता है टेक्निकली, वो मुझे अभी पता नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा। ये मेरा ओ आ गया, ये उल्टा वाई छोटा स्मॉल, इसको क्या बोलेंगे, क्या इसका मतलब, ये जीरो मतलब है मेरा कहाँ गया, ये रहा, मतलब ये सर्वर साइड रेंडर एट द रन टाइम, जब आपका रन टाइम होगा ना सर्वर साइड ये रेंडर करेगा। इसका मतलब ये है कि जो उनसे पेजेस हैं, जैसे ये मेरा ब्लॉग्स है, ये सर्वर साइड आ गया, ये सर्वर साइड है मेरा, और मैं तो ई कॉमर्स बनाया था अभी, हाँ ई कॉमर्स मेरा सर्वर साइड जा रहा है ठीक है। अब उसके बाद जीरो, ये मेरे स्टेटिक पेज है, ऑटोमेटिकली रेंडर एट स्टेटिक HTML, यूजेस नो इनिशियल प्रॉप्स। और सर्वर साइड में क्या है, जिसमें हम यूज करते हैं गेट इनिशियल प्रॉप्स और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ये चीज़ें हैं ठीक है। हमने बना लिया बिल्ड, अब इसको चेक कैसे करेंगे भाई, बिल्ड बना के हम लोकली चेक करना हो तो हमारी कमांड है नेक्स्ट, ये वाली ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, npm रन स्टार्ट, तो मेरी प्रोडक्शन वाली बिल्ड अब डेव पे चलेगी, चल रही है, ऑप्टिमाइज करा रहा है, npm रन बिल्ड ठीक है भाई। नेक्स्ट 13.0 स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया 0. लोकलोस 3000 पे, हम यहीं पर आ जाते हैं अपने वापस पेज पे। पेज को मैंने रीलोड करता हूँ ठीक है। अब मैं पहले नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पे रीलोड किया मैंने पेज को, देखो मेरी कितनी फास्ट ऐप रीलोड हो रही है। हम पहले होम पेज पे चलते हैं, होम पेज को रीलोड करते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या लोड करता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कंसोल को, देखो इसने लोकल होस्ट लोड कर दिया, सारी मेरी फाइलें जंक्स वगैरह सारी लोड कर दिया है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। वेब पैक हो गया, लोकल होस्ट हो गया, देखो मेरा इसने अबाउट स्पेस पहले से लोड कर दिया है, अबाउट है ना मेरा ये पेज, यानी कि इसने आपके कोड को कोड स्प्लिटिंग कर दिया है, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दिया है, टुकड़ों में बना दिया है। आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपने इसका अबाउट पेज इसने रीलोड कर दिया। अगर मैं प्रीव्यू देखूं, रिस्पॉन्स देखूं, इसने कुछ अपनी लैंग्वेज में बना कर दे दिया अपना सारा सब कुछ ठीक है। देखो ब्लॉग्स का आपका आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है, डैशबोर्ड आ गया, ई कॉमर्स हमारा भी आ गया भाई। मैंने इसको क्लियर कर दिया, मैंने अबाउट पे गया हूँ, वो तो मेरा रीलोड अबाउट पे गया, सिर्फ देखो अबाउट कितना मेरा फास्ट लोड हो रहा है। डैशबोर्ड पे गया, कितना फास्ट लोड हो गया मेरा। सेटिंग पे गया, प्रोफाइल पे गया। अब हम इसको क्लोज करके ई कॉमर्स पे चलते हैं। ई कॉमर्स में हमने APIs लगाई थी, ई कॉमर्स पे क्लिक किया, देखो ई कॉमर्स मेरा फैच हुआ, सिर्फ सिंगल फाइल लोड हुई है और इसमें कोई API लोड नहीं हुई, सारा सर्वर एंड पे है, मेरा डेटा जनरेट होके आया है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, व्यू सोर्स देखता हूँ इसका, व्यू पेज सोर्स, क्या व्यू सोर्स में डेटा आ रहा है मेरे पास, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम। नहीं भाई, व्यू सोर्स में डेटा बिल्कुल आ रहा है, कहाँ गया डेटा, ये रहा मेरा डेटा, ये रहा ना सैमसंग गलेक्सी फोप्स 22 iPhone X 89 ई कॉमर्स वेबसाइट, तो यानी कि मेरा API से डेटा सर्वर साइड भी आ गया, ये सारी चीज़ें ठीक है ना, iPhone 599 iPhone X99 सारा डेटा मेरा आ गया, ये चीज़ें हमारी सर्वर साइड की। अब इसमें
मान लो ना कुछ टाइम लगता है मेरा, कि भी मेरा ना ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट लोड हुआ, कुछ ना टाइम लगा मुझे, तो उसमें मुझे ना यहाँ पे लोडर दिखाना है कि भी मेरा लोडर आ जाए, एक इनिशियल लोडर आ जाए, वो हम कैसे यूज करेंगे। चलो वो चीज़ और दिखाते हैं आपको अभी। देखो मेरा यहाँ पे लॉग भी आ रहा है कि 3 बार मेरा ये पेज रीलोड हुआ है, रन टाइम गया तो 3 बार मेरा प्रोडक्ट और इसकी आ गई। एक बार और कर देते हैं हम, मैं डैशबोर्ड पे गया, मैं ई कॉमर्स पे आ गया, देखो आ गया ना एक बार मेरा कंसोल डॉट लॉग में, क्योंकि ये सर्वर वाला कंसोल डॉट लॉग है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। कंसोल में नहीं मिलेगा आपको ये, यहीं पर मिलेगा। हाँ भाई, हम क्या दिखा रहे थे, अच्छा वो दिखा रहे थे हम, क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग वाला, जैसे डिले लोडिंग होती है, ठीक है। तो ना उसके लिए ना नेक्स्ट जीएस ने एक कॉन्सेप्ट निकाला नया, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना आपने, कहीं कुछ नहीं लगाना, सेटिंग वेटिंग, ठीक है। ऐप होल्डर के अंदर गया मैं, इसके अंदर ही मैंने एक न्यू फाइल बना ली, लोडर .tsx, बस लोडर किया मैंने यहाँ पे, क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में गया यहाँ पे, मैंने सिंपल सिंपल जो मेरा यूआई होगा, ठीक है, मैं वो यूआई यहाँ पे रेंडर करा दूँगा। अभी मैं करा देता हूँ लोडिंग पेज, प्लीज़ वेट, बस इतना करना है मेरे को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी किया हम, npm रन बिल्ड फिर से बना लेते हैं इसकी, ये एक बार यहाँ पे चला के देख लेते हैं। रन स्टार्ट npm रन, क्या था हमारा पैकेज और जेसोन में, डेव था, सॉरी npm रन डेव, स्टार्ट तो हमारा बिल्ड के बाद चलता है। ये मेरा डेव किया मैंने, तो मेरी डेव पे देखो बन गई। अब इस पेज को मैंने रीलोड किया, पेज हमारा रीलोड होगा, बट ना सर्वर साइड पे जैसे ये फैच करेगा उससे पहले ना लोडिंग आ जाएगा मेरा, कुछ मिली सेकेंड्स में। ये मेरा प्रोडक्शन पे चल रही है, क्लाइंट हैंड सर्वर साइड्स, देखो अभी आ जाएगा यहाँ पे, आएगा लोडिंग प्लीज़ वेट, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आएगा बस। डैशबोर्ड नहीं गया मेरा, अब हम चेक करते हैं एक बार यहाँ पे 380 पॉइंट मेरा यहाँ पे, भाई डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, हाँ डैशबोर्ड आ गया। अब मैं ई कॉमर्स पे जाता हूँ, डिसेबल कैश, ई कॉमर्स गया मेरा, ई कॉमर्स प्रोडक्शन, लोडर कहाँ मेरा, लोडर और लोडर की भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे दी हुई है बकायदा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ लोडर लोडिंग यूआई फॉल बैक में सस्पेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, लोडिंग स्टेट हमारी इनिशियल, अच्छा सॉरी लोडिंग है हमारी फाइल का नाम, LODING, लोडर नहीं है, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तभी मैं कहूँ चल क्यों नहीं रहा। लोडिंग LODING लोडिंग डॉट JS TSX कर दिया हमने, वापस से कंपाइल हो गया हमारा पेज। अब देखते हैं मेरा पेज यहाँ पे जाएगा, मैं इसको पहले मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं ई कॉमर्स पर जाऊँगा ना, मेरा पेज रीलोड होगा, देखो आया ना। अब देखो मैं ई कॉमर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा लोडिंग प्लीज़ वेट, आया ना। जब तक आपकी API से डेटा फैच होके आता है तब तक कुछ आपने लोडिंग की स्टेट दिखानी है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये है आपकी, मैं ब्लॉग पे गया प्लीज़ वेट, ठीक है, जब तक इसका पेज बनेगा, ठीक है, इनिशियल में। अभी ना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़े ना ऐप डेवलपमेंट में ना हमारी स्लो चलती है, इसलिए आप ये लोडिंग देख पा रहे हो। ई कॉमर्स पे गया मैं, लोडिंग प्लीज़ वेट, उसके बाद मेरा डेटा आ गया फैच हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लोडिंग ये ऐसे काम करता है, इतना ही है। और हाँ मैं एक बार और बता दूँ, लोडिंग हमारा हो गया, इसको हम क्लिक कर देते हैं, पेज के अंदर जाते हैं, पैकेज और जेसोन हटा देते हैं अभी। इसके अंदर ना मैं फिर से बता देता हूँ, देखो सर्वर साइड के लिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस अवेट के साथ, API कॉल करी, और उसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं कि आपको कैश करना है, फोर्स मेरे को कैश ही करना है बस, या मेरे को नेक्स्ट करना है रीवैलिडेट, या मेरे को कैश नो स्टोर,
कि मेरे को स्टोर नहीं करना है कि जब भी मेरी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाए तब भी मेरा डेटा फैच होके आए। ये सारी चीज़ें, बस ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इतना सा है ये, इसी में घूम जाते हैं लोग। एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, डेटा फैच किया, रिटर्न करा दिया मैंने, उसके बाद मेरा जो एक्सपोर्ट है इसको भी मैंने एसिंक्रोनस बनाया, अवेट किया, डेटा मेरा यहाँ पे आ गया, मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया प्रोडक्ट से, और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट पे यहाँ पे लूप लगा दिया। और भी आप यहाँ लगा सकते, जैसे कि इमेज है, प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन, जो भी जानते, ये तो मैंने बेसिक बताया है, आप लगा सकते हो इमेज वगैरह, सब कुछ वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो मैं जस्ट सैम्पल के तौर पर इतना दिखाया। अब नाउ मैं एक चीज़ और चेक करता हूँ, क्या चीज़, देखो मैं ना ई कॉमर्स है, जैसे ई कॉमर्स में एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, बटन, ठीक है, .tsx, सिंपल नाम, कुछ नहीं करना मेरे को। मैंने एक बटन बनाया, कॉन्स्ट लिया मैंने, बटन कंपोनेंट्स, ठीक है, बटन कंपोनेंट्स, मैं इसको फैट एरो में यूज कर लेता हूँ, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने अपना बटन बनाया एक, मैंने किया क्लिक, भाई इस बटन पे तो क्लिक करना और कुछ नहीं करना। और इसको मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड ये वाला, ये मैंने कंपोनेंट बना दिया, सिंपल है, इतना बना लोगे। और इसको मैंने पेज के अंदर इंपोर्ट करा लिया, ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से, जो मेरा ये बटन मैंने बनाया है, बस। और मैंने क्या किया, इस बटन को ना मैंने एवरी प्रोडक्ट में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है भाई, ये लो मैंने यहाँ डाल दिया, इसको मैंने कंपाइल करा दिया, क्या होगा, कंपोनेंट मेरा आ गया, तो एवरी प्रोडक्ट में मुझे बटन दिखेगा, दिख रहा है बटन, देखो मेरा क्लिक 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 क्लिक, कितने सारे क्लिक क्लिक आ गए, ठीक है। अब मुझे ना इसके क्लिक पे अलर्ट शो कराना है, या मतलब मेरे को कुछ बटन चेंज करना है, सिंपल है भाई, क्या करना है, मेरे को चेंज करना है कि जो क्लिक बटन है इसको क्लिक करना है, यू क्लिक अगेन, यू क्लिक 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 क्लिक, कुछ चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैंने इम्पोर्ट करा लेता हूँ, मैं इम्पोर्ट किसको, यूज स्टेट को, यूज स्टेट यूज करते हैं यहाँ पे, यूज, अरे क्या हो रहा है बटन को आज, यूज स्टेट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट के साथ। और मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉन्स्ट किया मेरा क्या हो, टेक्स्ट हो, और एक सेट टेक्स्ट हो, यूज स्टेट, इसको मैं कर देता हूँ कि फॉल्स, ठीक है। मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट है इसको हटाया, और यहाँ मैंने अपनी कंडीशन डगाई, क्या डाली, क्योंकि मेरा टेक्स्ट स्टेट है तो क्या हो, प्लीज़ क्लिक, ठीक है, और अगर नहीं हो तो क्लिक टू बटन एंड सी द मैजिक, बस इतना मैंने लंबा टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे। और मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे लगा दिया यहाँ पे, चेंज कर दिया, क्या मुझे स्टेट अपडेट करानी सेट टेक्स्ट की, वो हम नॉर्मली हम कैसे कराते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। इसके अंदर गया मेरा, और जो मेरा टेक्स्ट है इसका अपोजिट हो जाए भाई, अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं गया अपने पेज पे, बूम एरर आ गया, क्या एरर आ गया, पहले हम एरर पढ़ते हैं, फेल टू द कंपाइल, हाँ भी ठीक है, कंपाइल इसने नहीं किया, फेल हो गया, क्यों, कौन सा फेल हुआ मेरा, ई कॉमर्स बटन डॉट टी एक्स, हाँ ठीक है, यू आर इम्पोर्टिंग ए कम्पोनेंट दैट नीड यूज स्टेट, ठीक है भाई, इट्स ओनली वर्क इन क्लाइंट कम्पोनेंट बट नन ऑफ इट्स पेरेंट्स आर मार्क विद यूज क्लाइंट सो दे आर सर्वर कम्पोनेंट बाई डिफॉल्ट। आपका ये बाई डिफॉल्ट ना सर्वर साइड कम्पोनेंट है, उसको मुझे क्लाइंट पे कॉल करना है, और मेरा जो कम्पोनेंट है ना ये क्लाइंट कम्पोनेंट नहीं है, मुझे क्लाइंट कम्पोनेंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज जो क्लाइंट है बस ये लगानी मेरे को लाइन, कुछ नहीं करना, सिंपल यूज क्लाइंट बस, ये लाइन ऐड करनी है पहली लाइन में। सेव किया मैंने, ठीक है, अब मैंने पेज पर जाता हूँ, मेरा यहाँ पे देखो एरर गायब हो गया, सब कुछ चल गया, पेज रीलोड हो गया मेरा, सब कुछ आ गया, क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू बटन सीधा मैजिक, क्लिक करें,
लो भाई क्लिक कर दिया, मैजिक आ गया। प्लीज़ क्लिक, प्लीज़ क्लिक, देखो चल रहा है। ये है बेसिकली, देखो ये आपका क्लाइंट हैंड पे हो रहा है, सर्वर हैंड पे नहीं जा रहा, सर्वर हैंड पे आपका डेटा लेके आ रहा है कंपोनेंट्स। और यहाँ पे आपका देखो चेंज हो गया, देखो ये है बस इतना फर्क। अगर आपने कंपोनेंट क्लाइंट हैंड पे करना है तो यूज क्लाइंट, उसके बाद आप यूज स्टेट यूज करो, यूज इफेक्ट यूज करो, यूज हुक्स यूज करो, क्रिएट कॉन्टैक्ट्स एपीआई यूज करो, यूज रिड्यूसर यूज करो, यूज रैप यूज करो, कॉल बैक मेमो वगैरह एक्सेट्रा, जो भी आपने करना है क्लाइंट हैंड पे और आपने काम करना है तो कंपोनेंट आपका क्लाइंट हैंड पे कैसे बनेगा, बस ऐसे बनेगा। तो गाइस बस इतना ही है इस क्लास में, बस इतना ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट 13 के ऊपर। तो ये सारा कोड है, एक बार आप देख लो, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कर लो, और एक बार ना एक कोड आप अपने हाथों से करो, हाथों से आप करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी क्लियरिटी होगी, जल्दी बेसिक क्लियर होगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, बाकी जो एडवांस वर्जन होता है आप खुद अपने आप ही कर लोगे, और गूगल पे बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है हमें। तो नाउ ये बेसिकली हमारा था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर योर टाइम्स लाइन ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे इंकरेज मिले कि मैं और वीडियो बनाऊँ लोगों के लिए जो फ्री हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्न कोडिंग विद भाई चैनल के साथ। थैंक्स।